97 साल की उम्र में जहां ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार बॉलीवुड की लाइमलाइट से बेहद दूर जा चुके हैं, जिनकी जिंदगी चार दीवारों के अंदर ही कैद सी हो गई है मानो, जिन्होंने बॉलीवुड में अपने शानदार एक्टिंग करियर से करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। जिस दिलीप कुमार के बारे में अक्सर यही कहा गया कि दिलीप अपनी जिंदगी में अपनी मोहब्बत अपने सायरा के साथ हर सुख दुख के पल में साथ रहे, जिनकी शादी सायरा बानो के साथ होने की सालों बाद अस्मा रहमान से भी हुई थी, लेकिन वो शादी भी 2 साल के अंदर खत्म हो गई थी। वही दिलीप कुमार जिनके वैसे तो भाई बहन काफी ज्यादा हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी के बिना नहीं गुजार पाते हैं एक भी दिन। मोहम्मद यूसुफ खान यानी कि बॉलीवुड के दिलीप कुमार, जिन्हें ट्रेजेडी किंग हमेशा कहा गया, जिन्होंने ट्रेजेडी का एक अलग ही मुकाम तय किया था बॉलीवुड के पर्दे पर, जिन्होंने 60 के दशक से लेकर 50 से लेकर 60 के दशक और तो और 70 से लेकर 80 और 90 के दशक तक काम किया। जिस दिलीप कुमार ने आज बीमारी को भी हरा कर रखा है, तमाम तरह की बीमारियों में भी 97 की उम्र में दिलीप कुमार चार दीवारी के अंदर अपने कमरे में कैद रहकर भी अपनी जिंदगी में इस जंग को लड़ रहे हैं, जिन्होंने मुगले आजम के जरिए मधुबाला के साथ प्यार की कहानी को ऐसे बॉलीवुड में मुकम्मल किया कि वो प्यार की कहानी आज भी लोगों को उनका दीवाना कर देती है। वही दिलीप जो कि अपनी पत्नी के सहारे ना तो खाना कर खा पाते हैं और ना ही एक भी दिन गुजारा कर पाते हैं, आज उनकी ये छलक देखकर आंसू आते हैं हर किसी के फैंस की आंखों में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।